छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला के विकासखंड पौंडी परोड़ा अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है। आवास मित्र कमल किशोर ने मृत व्यक्ति के नाम पर फर्जी जियो टेकिंग कर फर्जी रूप से शासन के खाते से पैसा निकालने का मामला सामने आया। मृत महिला के सुपुत्र मालिक दास का कहना है कि मेरे नाम से आवास सेंशन हो गया है। मेरी माँ की मृत्यु हो जाने के बाद मैं आवास मित्र कमल किशोर को आवेदन दे दिया हूँ कि शासन की प्रधानमंत्री आवास योजना से मेरी माँ की मृत्यु के बाद उनका आवास वापस शासन को कर दिया जाए, क्योंकि मेरे नाम से भी प्रधानमंत्री आवास पास हो गया है। एक ही व्यक्ति के नाम से दो आवास नहीं बनाए जा सकते हैं, पर आवास मित्र एवं ग्राम के सरपंच और सचिव की मिली मदद से पूरे षड्यंत्र के साथ मृत व्यक्ति की पूरी तीनों किस्तों को शासन से राशि आहरण कर लिया गया है। यह मामला पूरा षड्यंत्र के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरी तरह से भ्रष्टाचार को उजागर करता है। एक और जहां प्रदेश के मुखिया गांव-गांव घूमकर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, मगर कुछ जनप्रतिनिधियों एवं शासन के आवास मित्रों के द्वारा इस प्रयास पर परिता फेरने में जुटे हुए हैं। मालिक दास कौन से ग्राम आपका या आपके संबंधित किसी का आवास निकला था आपके घर? हाँ, मोर माता राम के निकले रही से आवास। क्या हुआ? ओकर बाद बीच में डेट हो गया माता राम के, तो प्रिंट लिख के दे दें, पैसा वापस कर दे हैं। कितना राशि आया था? अब दो किस्त आए रही से 96,000 आए रही से। किसको लिख कर दिए? आवास मित्र लिख के दे दें। तो उस राशि से तो आप भी आवास बनवा सकते थे। हाँ, तो मैं नहीं बनवा पाए भाई। क्यों? माता राम के मरे के बाद ना हम कुछ नहीं कर पाए। तो राशि शासन को वापस हो गई है कि अभी पंचायत में ही रखे गए राशि? अभी तो नहीं जानो भैया, पता नहीं किया नहीं करे। किसको लिख के दी आप? आवास मित्र। क्या नाम है आवास मित्र का? आवास के कमल किशोर। और सरपंच सचिव इस संबंध में बात हुआ? नहीं, कुछ बात नहीं हुआ अभी तक। कमल, किस चीज़ में कार्य करते हैं आप? मैं आवास मित्र से कार्य करता हूँ। कहाँ कहाँ देखते हैं, किस किस पंचायत? रामपुर, भरी पखना, बांझी बन और रामपुर का एक मामला है। इब्राही रुकमत बाई 80 वर्ष का प्रथम किस्त आया था आवास का, और आवास में प्रथम किस्त 48,000 की राशि आने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद लगातार उनके खाते में द्वितीय और तृतीय किस्त भी राशि जमा की गई। किस आधार में हुआ राशि जमा? सर वो तो जियो टैगिंग के आधार पे होता है, लेकिन जो सेकंड वाला था उसको क्लियर नहीं है कि कहाँ से जियो टैगिंग हुआ, और थर्ड वाला जो जियो टैगिंग हुआ ना वो भी क्लियर नहीं है कि कहाँ से जियो टैगिंग हुआ। उसके बाद उनके में खाते में पैसा गया है, खाते में पैसा गया है इसको हम लोग को नॉलेज में है, और हम लोग उसको सचिव को सूचना दे दिए सर। तो निरीक्षण तो आपके द्वारा किया जा रहा था आवास निर्माण का? हाँ हाँ। तो फिर मृत्यु पश्चात दूसरी राशि उनके खाते में जमा किस आधार में हुई? तो वही सर, पता नहीं कौन सा जियो टैग हुआ था कि गड़बड़ी थी उसको। जियो टैग कहाँ से होता है? जियो टैग आवास ऐप से होता है। कौन करता है ये टैग? जियो टैग पहले BLE करते थे, उसके बाद आवास मित्र करते हैं, और कई बार कई जगह जियो टैग हो रहा है। तो आपने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया? नहीं दिए हैं, बताए हैं, सूचना दिए हैं। कहाँ कहाँ दिए सूचना? मैं अपने अधिकारी को दिए हैं। खुद कौन अधिकारी? BC। तो आप जानते हो पैसा निकाल लिए? मैं नहीं जा रहा हूँ पैसा निकालने के लिए। जियो टैगिंग कैसे हो गया खत्म होने के बाद? हाँ, आदमी खत्म होने के बाद जियो टैगिंग कैसे हो गया जी? नहीं, वही तो सर मेरे को क्लियर नहीं है ना कौन जियो टैगिंग किया है। और कुछ क्षेत्र को आप ही देखते हैं क्या? हाँ, रामपुर देखता हूँ ना मैं। तो दूसरा आदमी आके जियो टैगिंग कर सकता है? हाँ, कर किए हैं सर, दूसरा आदमी भी आके जियो टैग किया। कौन करता है आपके? क्लियर नहीं हुआ सर कौन जियो टैग किया है, लेकिन किए हैं सर।